अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.2 बढ़ाने के बाद मैंने आप लोगों को थ्योरी डिटेल में बता दी है, अब इंशाल्लाह 8.3, 8.4, 8.5 इनके टॉपिक हम एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे। अब 8.3 पे अगर आप आ जाओ ना यार, तो 8.3 पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। हर क्वेश्चन के 4-5 पार्ट हैं, लेकिन मैं सब नहीं करवाऊंगा, मैं एक पार्ट करवा दूंगा, या अगर मुझे कोई और लगेगा कि यार ये चलो समझा मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन प्रॉपर स्टेप में एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के 5-5, 6-6 पार्ट हैं और कुछ फालतू से बिल्कुल हैं, प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बायनॉमल के लिए दिए हैं सारे के सारे। बस मैं आपको बता दूंगा करना क्या इसके अंदर, बाकी काम आप लोगों का खुद होगा। तो और बेस्ट मशवरा मैं ये दूंगा कि इस टाइप की एक्सरसाइज जो होती है ना, उसमें आप लोगों के लिए बेस्ट रहता है गाइड परचेज कर लो। मुझसे स्टूडेंट आमतौर पर पूछते हैं कौन सी गाइड परचेज करो, मेरे पास एक मोहम्मद साउथ की गाइड है, तो उनकी बहुत अच्छी गाइड है, उन्होंने थ्योरी भी लिखी हुई है, फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड की थ्योरी उनमें आपको नजर आएगी, साथ उन्होंने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की हुई है सारी। तो बेस्ट तरीका यह होता है कि जो टीचर आपको होमवर्क देता है, क्योंकि सब मेरा इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं ये थोड़ा ना सब क्वेश्चन सॉल्व कराने में टाइम बर्बाद कर लूं, तो जो मेन चीज है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, जो होमवर्क आपको मिलता है वो आप गाइड से कवर कर लो, वहां पे सारे स्टेप्स हैं आप कर लो। अगर कहीं फंस रहे हो तो जो भी आपका टीचर है आप उसे पूछ लो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ, तो मेरे पे मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं, शायद मैं जवाब ना दे सकूं, फिर आप गुस्सा करो मुझ पर, तो मुझ पर गुस्सा करने से बेहतर है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसे कंफर्म कर लो यार, कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है ना, सेंटर में आप हजारों खर्च कर रहे हो ना। तो इस तरह करके यहां पे मैं कॉन्सेप्ट जब आपको दे रहा हूं तो और क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट की हद तक रहो, खत्म होगी बात यार, कॉन्सेप्ट मिल जाए सही है, छोटे मोटे मसले में आप हल कर सकते हो, इसमें कौन सा इशू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आपके पास लिखा हुआ है एक्सपेंड बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, आपने इन बाइनोमियल्स गिवन है, पावर अलग अलग है, किसी में 8 पावर है, किसी में 6 है, किसी में 7 पावर है, कुछ भी गिवन है, और आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूं ऊपर ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि काफी यूज होगा, तो यहां पे मेंशन कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या था, a प्लस बी की पावर n, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हो एन सी जीरो ए की पावर n, फिर एन सी वन, अब a की पावर कम होने लग जाएगी, b की पावर बढ़ने लग जाएगी, फिर होगा एन सी टू एन माइनस टू बी टू अप टू, दरमियान में हम एक इसकी जनरल टर्म भी कंसिडर करते हैं। जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म होती है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, और इसकी जो आखिरी टर्म हम कंसीडर करते हैं वो होती है एन सी एन बी की पावर एन। ये आपके पास एक बाइनोमियल थ्योरम जो है वो मैंने डिटेल में लिख दिया है। अब आप इसको अप्लाई किस तरीके से करोगे जरा देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस ए टू द पावर 8। अब देखो बाकी क्वेश्चन जो है ना इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज है, बड़ी ना के मतलब सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तो अगर आप एक चीज एक्सपेंड कर रहे हो तो बाकी सवाल करने की भी जरूरत नहीं है, एक दो और सवाल आप लोग कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, मे बी आपको पावर नेगेटिव पॉजिटिव में मसला हो तो सिंप्लीफिकेशन करने में आपको आसानी होगी, लेकिन मेरे लिए एक ही क्वेश्चन करवाना काफी है, कॉन्सेप्ट जो मुझे देना है वो उसमें मैं दे दूंगा, तो बाकी एक दो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अब इसको एक्सपेंड किस तरीके से करोगे, ये सवाल पेपर में आते नहीं है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं उन्होंने, बिलफर्ज अगर आ भी गया तो फिर फॉर्मूला मेंशन कर दो पूरा कि यार बाइनोमियल का ये फॉर्मूला जो मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। अब एक्सपेंड करते हैं इसको, असल काम तो एक्सपेंड करना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस ए की होल पावर 8, सबसे पहले आपको पहचानना यहां पे ये है कि यहां पे ए और बी का रोल यहां पे क्या है। अब देखो पहली टर्म जो है वो यहां पे एक्स है, तो ए जो है वो आपका एक्स है, मतलब ए मतलब बाइनोमियल में जो ये लिखा हुआ है ना ए, ये यहां पे क्या है एक्स है, और बी यहां पे क्या है ए के बराबर, जो बाइनोमियल में दूसरी टर्म है वो दूसरी टर्म यहां पे क्या है ए के बराबर, और पावर यहां पे क्या है 8, जैसे वहां पे पावर आपको एन गिवन थी, यहां पे पावर मतलब एन की वैल्यू क्या है 8 है। अब आप इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सबसे पहले एन सी जीरो, एन यहां पे क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 सी जीरो, ए की पावर एन, ए यहां पे क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन मतलब एक्स की पावर 8, फिर अब कोएफिशिएंट क्या होगा 8 सी वन, अब x की पावर कम होने लग जाएगी, मतलब a की पावर, a यहां पे x है ना, तो x की पावर कम होने लग जाएगी और b की पावर बढ़ने लग जाएगी, b यहां पे क्या है a, तो आपको a की पावर 1 नजर आ रही है यहां पे, फिर कोफिशिएंट होगा 8 c 2, अब x की पावर मजीद कम होगी और a मजीद बढ़ता जाएगा, फिर होगा 8 c 3, x की पावर 5 a की पावर q, फिर हो जाएगा 8 c 4,
x की पावर 4 a की पावर 4, फिर 8c5 x की पावर 3 a की पावर 5, फिर 8c6 x स्क्वायर a6, फिर 8c7 x a की पावर 7, और आखिरी टर्म क्या होगी 8c8 a की पावर 8। तो बस टेक्निक क्या होती है इसमें, कोफिशिएंट तो बड़े इजी होते हैं, जो n है ना वहां से आपने स्टार्ट करना है, n यहां पे 8 है तो 8c0 8c1 8c2 करते करते 8c8 पे जाके आपने खत्म हो जाना है। और जो वेरिएबल्स यहां पे आपको नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल x नजर आ रहा है, a नजर आ रहा है आपको, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो पहली टर्म लिखी हुई है उसकी मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, उसके बाद उसकी पावर एक कम होती जाएगी और दूसरे की पावर एक बढ़ती जाएगी। जैसे x की पावर अब 7 हो गई, यहां पे a की पावर 0 थी, अब a की पावर 1 हो गई है, फिर x मजीद कम a मजीद एक ज्यादा, फिर x मजीद कम a मजीद एक ज्यादा, करते 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 आखिरी टर्म जो होगी उसमें आपको पहली टर्म नजर ही नहीं आएगी और दूसरी वाली टर्म जो थी यहां पे उसकी मैक्सिमम पावर 8 होगी। ये पूरा बायनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आपको मैं जाहिर सी बात है प्रैक्टिस का सवाल है, आपको कोई शो नहीं करना पड़ेगा 8c4 की वैल्यू कैसे आई आपके पास, आपको बस आंसर लिखना है इसका। तो सबसे पहली बात 8c0 तो 1 ही होता है, 8c0 या 8c8 1, यहां पे देखा होगा बाइनोमियल में पहली वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है, जैसे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो a क्यूब पहली वाली टर्म का उसका कोफिशिएंट 1 और जो आखिरी टर्म है b क्यूब उसका कोफिशिएंट भी 1, तो आपके पास जस्ट x8 आ जाएगा। फिर 8c1 8 के बराबर ही होता है, फिर 8c2 जल्दी से निकाल लेते हैं, 8c2 भी इजी होगा, 28 x की पावर 6 a का स्क्वायर, फिर 8c3 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 56 x5 a क्यूब, फिर 8c4 निकाल लो भाई, ये हो जाएगा 70 x4 a4। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जो 8c3 की वैल्यू थी ना वही 8c5 की होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस हैं, तो 8c3 की वैल्यू 56 थी तो 8c5 की भी 56 होगी, इसी तरह 8c2 की वैल्यू थी 28, 8c6 की भी 28 होगी, इसी तरह 8c1 की थी 8 और 8c7 की भी क्या होगी 8 x a7 और आखिरी टर्म हो जाएगी a की पावर 8। तो बच्चों ये पूरी एक्सपेंशन है इस सवाल की, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करने, जो उसमें कैलकुलेशन है वो हमने इस एक्सरसाइज में बार बार करनी है, तो वैसे भी हम सीखते जाएंगे कैलकुलेशन, नेगेटिव एक्स नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, पावर मैक्सिमम है, कोई फ्रैक्शनल है, सब इसमें डील हो जाएगा, तो बाकी जो है वो आप लोग खुद ट्राई करना, कहीं मसला हो तो डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक ही करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ही फजूल किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको मेथड पता चल जाए कि करना क्या होता है। आपने बायनोमियल थ्योरम यूज करके इन चीजों की वैल्यूज निकालनी है, मतलब कुछ पॉइंट में लिखे हुए हैं उनकी कोई पावर लिखी हुई है वो निकालने, या कोई बड़े बड़े नंबर हैं उनकी आपने पावर निकालनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज कर लोगे तो मसला खत्म हो जाएगा, मतलब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर यूज कर लो, शुरू में ही नहीं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के कर देना। बहर तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है ना उसके 3 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करवाऊंगा मैं ए की इन 6 पार्ट के अंदर, लेकिन बस मैं बता रहा हूं कि किस तरह आपने करना है। तो जो 11 लिखा हुआ है उसको इस तरह ब्रेक करना 1 + 10 और उसके बाद क्या करना बता दूंगा। पार्ट नंबर 2 में मैं लिखा हुआ 101, तो 101 को इस तरह लिखना 1 × 100 वो 1 + 100, 999 को इस तरह लिख देना, ये काम करो इनको मतलब एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करते ना, आप इस तरह लिख दो 10 + 1 100 + 1 और जो 999 लिखा उसको लिख देना 1000 - 1। अच्छा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बाइनोमियल थ्योरम में अगर दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो ए और बी आपने भी पॉजिटिव ही लेना है, ये नहीं कि दरमियान में नेगेटिव के साथ ऑल्टरनेट साइन भी कर दो और बी को भी नेगेटिव ले लो, नहीं, क्या करना है आपने जब यहां में नेगेटिव आए ए और बी आपने पॉजिटिव ही लेना है। जैसे इस वाले केस में जब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे ना, ए 1000 है और बी 1 है, बी को नेगेटिव नहीं लेना, बस अब क्या करना जब आप अप्लाई करोगे ना तो पहली के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ पॉजिटिव, चौथी के साथ नेगेटिव, इस तरह करते रहना, ठीक है। ये जो आप नेगेटिव लगा रहे हो ना वो बी की वजह से लगा रहे हो, दरमियान में माइनस है, तो जब आप ऑल्टरनेट साइन यूज कर रहे हो ना तो फिर बी पॉजिटिव लेना है, ये ना बी को भी नेगेटिव ले लो ऑल्टरनेट भी कर लो खराब हो जाएगा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है उसमें डेसिमल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 1.01 की पावर लिखी हुई है, तो उसको आप ब्रेक कर देना 1 + 0.01,
फिर लिखा हुआ 1.02, उसको ब्रेक कर देना 1 + 0.02। फिर लिखा हुआ 0.98, उसको आप ब्रेक कर देना 1 - 0.02। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने एक्सपेंड करना है। मैं एक पार्ट करवा देता हूं इन 6 पार्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 ही कर लेते हैं ताकि मेरे लिए आसानी हो। पॉइंट में मुझे बार बार कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर है, आपको कुछ करना है तो क्या मुश्किल चीज नहीं होगी, कॉकरोच घूम रहा होता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ, वैल्यू निकालो 11 की पावर 5 की। तो बहुत बच्चों वाला केस है, किस तरीके से आप करोगे? आप 11 की पावर 5 को ब्रेक कर दोगे 10 + 1 की पावर 5। ठीक है, तो सवाल ये है कि अब a यहां पे होगा 10, b यहां पे होगा 1, n होगा यहां पे 5। ये वैल्यू सब लिखिए। ठीक है, तो अब आप इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो। तो क्या होता है भाई, n c 0, n यहां पे 5 है, तो 5 c 0 10 की पावर मैक्सिमम मतलब 5 प्लस 5 c 1, अब 10 की पावर कम और 1 की पावर बढ़ती जाएगी। अभी 1 की पावर 1 ही है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। फिर 5c2 10 की पावर मजीद कम और 1 की पावर ज्यादा। फिर 5c3 10 की पावर मजीद कम, 1 की पावर मजीद ज्यादा। फिर 5c4 10 और 1 की पावर मजीद एक्स्ट्रा। और फिर एंड पे 5c5 10 खत्म, 1 की पावर 5, जो कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5c0 होता है 1, तो यहां पे जस्ट 10 की पावर 5 बच जाएगा। 5c1 जो है वो 5 होता है, तो यहां पे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 होता है 10,000। 5c2 अल्लाह आप लोगों का भला करे क्या होगा, 10 होता है, 120 डिवाइडेड बाय 12 10 ही होता है ना, फिर हो जाएगा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 क्यूब से, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा ये। फिर 5c3 अगेन 10 होता है, 10 को मल्टीप्लाई करो 10 स्क्वायर से, तो 10 क्यूब हो जाएगा। फिर 5c4 5 होता है, 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 10 से। फिर 5c5 1 और तो 1 ही हो जाएगा। तो सॉल्व करो बच्चों, 10 की पावर 5 को 10 की पावर 5 ही रहने देते हैं। और एक काम करते हैं, जब प्रैक्टिस ही कर रहे हो, सवाल पेपर में नहीं आने तो क्यों इतनी मेहनत करें, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। पेपर में आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो पार्ट बनकर आएंगे। तो है बहुत छोटा सा कॉकरोच, लेकिन अपना असल में कॉकरोच में इतना इंट्रेक्शन नहीं होता ना, तो हल्का फुल्का हो जाता है मसला थोड़ा। 10 की पावर 5 + 5 × 10,000 + 10 की पावर 4 + 10 का क्यूब + 50 + 1। कोई कह रहा होगा सर डायरेक्ट आंसर निकाले 10 की पावर 5 का, तो भाई मुझे देखना गलती था, गलती ना की हो ना मैंने कोई। 161051, तो 1,16,000 1,61,051 रुपीज। तो अब हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं 11 की पावर, अच्छा मैं समझा 10 की पावर 5 है, 11 की पावर 5 है। हाँ ये आ रहा है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने सॉल्व करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर, बस बाइनोमियल थ्योरम आपने एक्सपेंड कर देना है। तो मसला यहां तक हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ ये है कि मैं पार्ट 1 ही करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का भी, आपको इवेलुएट करना है बस। क्या इवेलुएट करना है? ये इवेलुएट करना है कि पावर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 5, ये आपको इवेलुएट करना है। अगेन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे इसके ऊपर, और सॉल्व करने का तरीका इसमें ये होगा कि आप दोनों का अलग अलग, या तो अलग अलग वैल्यू निकालो, लेकिन अलग अलग वैल्यू निकालने का मजा नहीं है क्योंकि कैंसिल हो रहे होंगे, तो एक साथ ही सॉल्व करो ताकि स्टेप्स आपके बच जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो मैं ना ब्लैक ब्लू कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ना करने में आसानी। यार एक यूट्यूबर है ब्लैक पेन रेड पेन, काफी मैंने सीखा उस भाई से, लेकिन उसकी टेक्निक बड़ी अच्छी थी, पता नहीं कभी ये इस्तेमाल करता है ये इस्तेमाल करता है, तो मैं वही वाली टेक्निक कॉपी कर रहा हूं उसको। तो अब क्या करना है इसमें, आप सिंप्लीफाई इस तरीके से करो, क्या सबसे पहले लिखो 1 + 2√x की पावर 5, और जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये कर दो। ठीक है,
अब इन दोनों पे अलग अलग आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करोगे इसके ऊपर, अब देखो यहां पे स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, ए क्या है बी क्या है, पेपर में अगर आ गया तो चलो कर लेना आप, मतलब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। इसमें ए वन है, बी टू रूट एक्स है, इधर भी ए वन है, बी रूट टू एक्स है, दोनों में एन की पावर फाइव है, तो लिखना चाहो तो चलो लिख दो ऊपर कि ए वन है, बी है टू रूट एक्स और एन जो है वो फाइव है। बस इसमें ऑल्टरनेट साइन लगाओगे आप और इसमें सब टर्म पॉजिटिव होंगे, बस इन दोनों में ये फर्क है। और आपस में क्या करना है आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होगा, फाइव सी जीरो वन की पावर फाइव, ठीक है, फिर प्लस फाइव सी वन, अब वन की पावर कम होगी, वन की पावर फोर और टू रूट एक्स की पावर वन ही है, ना लिखो तो बेहतर है क्योंकि वन पावर लिख के क्या करोगे, स्टेप्स ही जाया कर रहे हो। फिर ये हो जाएगा फाइव सी टू वन की पावर क्यूब और अब टू रूट एक्स की पावर हो जाएगी स्क्वायर, अब उसकी पावर मजीद बढ़ने लग जाएगी, पहले वन थी अब स्क्वायर होगी है, अब मजीद क्या होगा फाइव सी थ्री, अब वन स्क्वायर हो जाएगा और टू रूट एक्स जो है वो हो जाएगा क्यूब, फिर फाइव सी फोर वन मल्टीप्लाई टू रूट एक्स की पावर फोर और फिर एंड पे होगा फाइव सी फाइव टू रूट एक्स की पावर फाइव, ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आपने एक्सपेंड कर दिया पहली वाली टर्म को, ब्लू वाली को, अब जरा ब्लैक को एक्सपेंड करते हैं, ब्लैक को एक्सपेंड किस, अच्छा अभी एड ही हो रहा था, दरमियान में एड का निशान है, अगर यहां पे माइनस होता ना तो फिर मैं ब्रैकेट लगा देता क्योंकि माइनस साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस साइन को चेंज नहीं करता, तो मैं कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस मैंने लगाया और मैं इस टर्म को लिखने लगा हूं, ठीक है। तो अगेन यही काम कर रहे हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं, बस आप पहली टर्म के साथ पॉजिटिव दूसरे के साथ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह बस आपने करते रहना, ठीक है। तो अब आप क्या लिखो, यही फाइव सी जीरो वन की पावर फाइव, अच्छा अब माइनस आएगा दूसरी टर्म के साथ, फाइव सी वन वन की पावर फोर मल्टीप्लाई टू रूट एक्स, अब पॉजिटिव होगा, फाइव सी टू वन की पावर क्यूब टू रूट एक्स का स्क्वायर, फाइव सी थ्री वन की पावर मजीद कम टू रूट एक्स, अच्छा फाइव सी फोर वन मल्टीप्लाई टू रूट एक्स की पावर फोर और एंड सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा फाइव सी फाइव टू रूट एक्स की पावर फाइव। ये फायदा है इनको एक साथ करने का, कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात, ये वाली टर्म नेगेटिव के साथ है, ये वाली टर्म पॉजिटिव के साथ है, कैंसिल हो गए, अगेन ये नेगेटिव के साथ है और ये पॉजिटिव के साथ है, अगेन नेगेटिव के साथ है पॉजिटिव के साथ है, तो अब जो पीछे बच गया वो लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब क्या बचा है, ये तो वन होता है तो पहली चीज का आंसर तो वन है, अच्छा इसको सॉल्व करो, फाइव सी टू क्या होता है टेन होता है, अच्छा टू रूट एक्स का आपने स्क्वायर करना है, बच्चों टू का स्क्वायर तो होता है फोर और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स के बराबर, तो इसको हम एक काम करते हैं फोर एक्स से लिख देते हैं, फिर कौन सी टर्म बची, फिर आखिरी फाइव सी फोर, फाइव सी फोर होता है फाइव और टू रूट एक्स की पावर फोर है, तो टू की पावर फोर होती है सिक्सटीन और रूट एक्स की पावर होगी एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपने टोटल पांच टर्म थी, दो टर्म नहीं टोटल छह टर्म थी, तो तीन टर्म कैंसिल होगी तीन बची, इसी तरह ब्लैक की भी तीन टर्म कैंसिल तीन बची हैं, एग्जैक्ट ये टर्म होगी, जैसे ये होगी वन, अच्छा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी टेन मल्टीप्लाई फोर एक्स, इसी तरह ये वाली टर्म क्या हो जाएगी फाइव मल्टीप्लाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस फोर्टी एक्स प्लस एट्टी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस फोर्टी एक्स प्लस एट्टी एक्स स्क्वायर और एंड पे आप एक साथ आंसर लिख दो, वन प्लस वन टू, फोर्टी प्लस फोर्टी एट्टी एक्स, एट्टी प्लस एट्टी वन सिक्सटी एक्स स्क्वायर और ये आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, तो इस तरह आप सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो बाकी जितने सवाल है उसमें आपने यही टेक्निक अप्लाई करनी है और सवालों को सॉल्व करते हैं, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है और क्वेश्चन नंबर फोर से अब सवाल स्टार्ट होने लगे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं चार नंबर के अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री भी आ सकता है एग्जाम में, बाय द वे चार नंबर के अंदर बन सकता है, लेकिन यार इतनी इंपॉर्टेंट बाकी चीजें हैं ना
तो वो देंगे नहीं क्योंकि 8.3 में और बाकी ऐसे क्वेश्चंस हैं 8.1 में है शॉर्ट के लिए, तो ये देंगे नहीं, इसलिए बस प्रैक्टिस के लिए होगी ये बात। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक आपको बाइनोमियल लिखा होगा उसकी पावर गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि यार इस बाइनोमियल की 10वीं टर्म निकालो, 5वीं टर्म निकालो, 6ठी टर्म निकालो, ये आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 करते हैं क्योंकि आई डोंट नो पार्ट नंबर 2 टिक क्यों हुआ है, मे बी पेपर में आ चुका होगा, तो पार्ट 2 ही कर लेते हैं क्योंकि टेक्निक तो सब में सेम ही है। पार्ट नंबर 2 हम करते हैं, 4 का पार्ट 2 लिखा हुआ है x की पावर a माइनस a की पावर x होल पावर 10 और इसके आगे लिखा हुआ है क्या है द फोर्थ टर्म। n हल्का है तो हम चेंज कर लेते हैं, अच्छा जी, तो सॉल्व किस तरीके से करोगे, सबसे पहले तो आपको डाटा पता होना चाहिए। यहां पे अगर आप देखो तो a आपके पास क्या है, a यहां पे है x अपॉन a, b यहां पे है a अपॉन x और n यहां पे है 10। अच्छा अगर आप थोड़ा डिफरेंस पता करना चाह रहे हो क्योंकि यहां पे a अजीब सा मैच कर रहा है ना, हालांकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि ये वाला ए जो है वो जनरलाइज्ड बायनोमियल थ्योरम वाला है, तो अगर आप थोड़ा अलग करना चाह रहे हो तो आप इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख दो, ये ना कंफ्यूज ना हो जाए ना आप लोग, तो कोई भी प्राइम यूज कर सकते हो आप, एक कैपिटल यूज कर लो। कॉन्सेप्ट बस ध्यान में होना चाहिए कि ये जो ए कैपिटल बी जो बायनोमियल वाला था ना ए प्लस बी की होल पावर एन वहां से लिखा हुआ पूरा ये। अच्छा अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे आपको निकालना पड़ेगा nth टर्म, सॉरी जनरल टर्म जो है ना वो आप कंसीडर करोगे। तो जनरल टर्म क्या थी, जनरल टर्म थी टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, अब कैपिटल आपने यूज किया तो कैपिटल लिखो, ए की पावर एन माइनस आर, डी की पावर आर। ठीक है, अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, उन्होंने बोले फोर्थ टर्म। देखो याद रखो फोर्थ टर्म के लिए अब आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, फोर्थ टर्म को आप लिखोगे किस तरह, फोर्थ टर्म होगी टी फोर, फोर्थ टर्म है ना, आप लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़कर आए हो, तो फोर्थ टर्म को आप क्या लिखोगे टी फोर, और टी फोर कैसे आएगी जब मैं आर की कौन सी वैल्यू पुट करूं, आर की वैल्यू 3 पुट करूं मैं, जब मैं आर 3 पुट करूंगा तभी 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो मेरे पास फोर्थ टर्म आएगी। तो फोर्थ टर्म के लिए आपने आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो फॉर फोर्थ टर्म पुट आर इक्वल टू 3, फोर्थ टर्म के लिए आप पुट करो आर 3, तो अब क्या होगा, बाकी वैल्यू से पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू आपने पुट कर दी, अच्छा इस तरह आप एन पुट कर दो, एन है 10, आर है 3, अच्छा कैपिटल ए क्या है, एक्स अपॉन ए की पावर एन माइनस आर, एन 10 है, आर यहां पे 3 है, फिर है बी की पावर आर, बी है यहां पे ए अपॉन एक्स और पावर आर क्या है इसमें 3 है, तो आपने सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। उसके बाद टेन सी 3 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालना चाह रहे हो तब भी निकालो, कोई मसला नहीं है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने अलग अलग पावर लगा दी, होल पावर 7 अलग अलग लगा दो, इसी तरह ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा x क्यूब, जरा इसको निकालते हैं हम, tan c 3, तो बच्चों tan c 3 होता है 120, तो यहां पे सबसे पहली बात 120 आ जाएगा, अच्छा यहां पे पावर 4 बचेगी, यहां पे पावर कैंसिल, इसी तरह यहां पे पावर 4 बच जाएगी, तो आंसर क्या होगा x4 डिवाइडेड बाय a4, ये आपके पास आ जाएगी चौथी टर्म। तो ये तरीका होता है बच्चों जनरल टर्म, आपको अगर पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल लेते हो, अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो आप इस जो एक्सपेंशन है ना इसको एक्सपेंड करना, देखना इसकी जो चौथी टर्म है वो ये वाली होगी, अगर शौक हो तो आप करके देख सकते हो। तो बाकी पार्ट यार तीन टोटल 3 पार्ट थे, मैंने आपको बता दिया, फर्क नहीं होगा, फर्क बस वैल्यूज का होगा, मेथड जो है वो यही रहना है, तो आप लोग ट्राई कर लेना इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 से मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, दो किस्म के होते हैं, एक में तो एक मिडिल टर्म होती है किसी एक्सपेंशन में और किसी एक्सपेंशन में दो मिडिल टर्म्स होती है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक मिडिल टर्म वाली है, क्वेश्चन नंबर 6 में दो मिडिल टर्म वाली है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जब आप सॉल्व करोगे तो पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, लिखा हुआ है x माइनस 2y अपॉन 3 की पावर 10, अच्छा जी
अच्छा करना है क्या इसके अंदर? फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन. आपको करना क्या है, आपको मिडिल टर्म यहाँ पे निकालनी है. तो मिडिल टर्म सबसे पहले तो मालूम करना पड़ेगा कौन सी टर्म यहाँ पे मिडिल टर्म है. चौथी टर्म मिडिल टर्म है, पांचवी टर्म मिडिल टर्म है. अच्छा अगर आप इसमें पावर देखो 10 है, मैनुअली भी आप निकाल सकते हो ना, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, 11 टर्म होंगी. तो पांच एक तरफ, पांच एक तरफ, तो छठी टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी इसके अंदर. लेकिन इसके लिए फॉर्मुला भी बनाया है, उससे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो सबसे पहली बात, इसमें आपको ए बी सी पता होना चाहिए. ए यहां पे है एक्स, या यहां पे एक गलती मैंने की है. जब आप जनरल टर्म कंसीडर करते हो ना, तो जनरल टर्म में आपको नेगेटिव भी कंसीडर करना पड़ता है. ये मैंने गलती की है. अच्छा मुझे यही से पता चल गया. जब आप जनरल टर्म करते हो ना, तो आप क्योंकि जनरल टर्म में तो आपने माइनस की कोई कंपनसेशन नहीं की हुई. बाइनोमियल पे आप करते हो, बाइनोमियल थ्योरम में आपने बोला ऑल्टरनेट साइन, लेकिन जनरल टर्म में कोई कंपनसेशन नहीं है. तो दैट्स व्हाई अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आप बी के अंदर नेगेटिव कंसीडर करते हो. तो उसको यहां से ठीक कर लेना. यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, और एंड पे यहां पे माइनस आ जाएगा, फिर ठीक कर लेना. अच्छा यहां पे ए एक्स है और बी जो है वो यहां पे है माइनस टू वाई अपॉन थ्री, और एन है यहां पे 10. ठीक है, तो जनरल टर्म निकालते हैं. जनरल टर्म आपको पता है क्या होती है, आर प्लस वन एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर. ठीक है, अब सवाल है कि मिडिल टर्म क्या है. यहां पर मिडिल टर्म देखते हैं. अच्छा यहां पे मेंशन कर देना कि n जो है वो जो नंबर ऑफ टर्म है वो इवन है, क्योंकि जब इवन होती है तो आपको पता है a की मिडिल टर्म होती है. इवन इन द सेंस कि पावर इवन हो, नंबर ऑफ टर्म तो ऑड ही होंगे ना, 11 टर्म्स है यहां पे. पावर जो है अगर वो इवन है, मतलब n जो है वो इवन है, तो a की मिडिल टर्म होती है. और उसका फॉर्मूला क्या होगा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म. ठीक है, तो जरा वैल्यूज पुट कर दो. ये हो जाएगा 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि बराबर होगा 6th टर्म. ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन दिखा दी कि जो छठी टर्म है वो यहां पे मिडिल टर्म है. अब आप लिख दो कि फॉर 6th टर्म पुट r इक्वल टू 5. जब मैं r यहां पे 5 पुट करूंगा तो 5 प्लस 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा, मेरे पास छठी टर्म आ जाएगी. तो जरा इसको सॉल्व करते हैं. R की जगह आपने पुट कर दिया 5, अच्छा N की जगह आप पुट कर दोगे 10, अच्छा A यहां पे है X, X की पावर 10 माइनस 5, अच्छा B है यहां पे माइनस 2 वाई अपॉन 3, और उसकी पावर R मतलब 5. सॉल्व करो 10 सी 5 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, अगेन 5 फैक्टोरियल. अच्छा ये हो जाएगा X की पावर 5 माइनस टू वाई अपॉन थ्री की पावर आपने 5 करनी है, तो बच्चों एक तो माइनस साइन आएगा क्योंकि ऑड पावर है. 2 की पावर 5 क्या होता है, 32. वाई की पावर 5, वाई की पावर 5, और 3 की पावर 5, 243. तो छठी टर्म यहां पे क्या होगी, सबसे पहली बात नेगेटिव आ रहा होगा, तो नेगेटिव को साइड पे कर लेते हैं, और बाकी जो नंबर है ना सबको एक साथ सॉल्व करते हैं. पहले तो आपके पास 10 सी 5 है, तो 10 सी 5, अच्छा ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 32 अपॉन 243 से. तो सब कोफिशिएंट को एक साथ ही सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ रहा है 896 अपॉन 27. ठीक है, ये करने के बाद अब वेरिएबल्स की टर्म कौन सी है, x की पावर 5, y की पावर 5, तो ये आपके पास छठी टर्म होगी.